दस बार मिलकर जनप्रतिनिधि अपने डीएम साहब ही नहीं सुने हम लोग का क्या जरूरी है। हम कल भी फोन किए डीएम साहब लेकिन रिस्पॉन्स नहीं लेते। वीडियो ले सर डीएम साहब हम भी फोन किए सुनते ना हम लोगों का भी इस तरह से जनता का पैसा को जो करना है करते रहिए आप लोग छोटका छोटका कलाकार लेके या पैसा को घपला में घपला करते रहिए सब लोग ना खुश है सिंहेश्वर के राजद विधायक डीएम साहब चिल्लाते रहे लेकिन डीएम श्याम बिहारी मीना रुकना तो दूर मुड़कर देखा तक नहीं। इसके बाद भी विधायक चंद्रहास चौपाल चिल्लाते रहे। विपक्ष की तो छोड़िए सत्ता पक्ष के विधायक खुद के ही सरकार को घेरने में लगे हैं और लगातार वार कर रहे हैं। कई गंभीर आरोप भी जर रहे हैं। सरकारी अधिकारी द्वारा मनमानी और जनता का पैसा लूटने की भी बात सरेआम आम आवाम में कह रहे हैं। मामला मधेपुरा जिले के सिंहेश्वर धाम में एक महीने तक लगने वाले सिंहेश्वर मेले का है जहां उद्घाटन के दौरान सिंहेश्वर के स्थानीय विधायक चंद्रहास चौपाल मेला में लगे पीआरडी स्टॉल का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इससे पहले डीएम मधेपुरा श्याम बिहारी मीना मेला का उद्घाटन कर चुके थे और भरी सभा में सरकार के विकास की कार्यों को गिना रहे थे। साथ ही उन्होंने कई बार सिंहेश्वर के विधायक की तारीफ भी की। इसके बाद डीएम और एसपी अन्य स्टॉलों का फीता काटकर पीआरडी के स्टॉल को देखने पहुंचे जहां विधायक जी कई लोगों के बीच जमकर डीएम पर गंभीर आरोप लगा रहे थे जिसकी भनक शायद डीएम साहब को लग गई थी। जिसके बाद जैसे ही विधायक ने अपने आगे से डीएम को गुजरता देखा सिंहेश्वर के राजद विधायक डीएम साहब चिल्लाते रहे लेकिन डीएम श्याम बिहारी मीना रुकना तो दूर मुड़कर देखा भी नहीं। इसके बाद विधायक चंद्रहास चौपाल बोलते रह गए। विधायक ने सीधा कहा कि फोन करते हैं तो डीएम बात तक नहीं करते, जब कॉल करते हैं तो डीएम रिस्पॉन्स नहीं लेते। विधायक यह भी कहते दिख रहे हैं कि जब अधिकारी हमारी ही नहीं सुनेंगे तो हम क्या करेंगे। डीएम के इस व्यवहार पर विधायक मीडिया के सामने फूट पड़े और कई आरोप जड़ दिया। एक सिंहेश्वर महोत्सव भी 25 और 26 और 27 को हम लोग आयोजित कर रहे हैं, काफी व्रत स्थल पर उसको भी आयोजित कर रहे हैं, वो भी एक गरिमापूर्ण प्रस्तुति हम लोग आप लोगों के लिए लाते हैं। इसलिए मैं उसमें भी सारे जो मंच पे आसीन लोग हैं और जो दर्शक दीर्घा में मित्र हैं सबको उसके लिए भी आमंत्रित करता हूं कि आप आए। हम लोगों ने विशेष ध्यान रखा है कि स्थानीय कलाकारों को 2 घंटे के लिए मंच मिले, 4 घंटे के लिए मंच है, 2 घंटे के लिए स्थानीय कलाकारों को मंच मिले और अन्य 2 घंटों के लिए वो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकारों को मंच मिले ताकि लोगों को स्थानीय जो संस्कृति है उसका भी एहसास हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो हमारी कला कहाँ है उसका भी एहसास हो। शास्त्रीय संगीत से लगाकर लोक संगीत सबको इसमें जगह दी गई है, नृत्य लोक संगीत सब तो आए और उसका आस्वाद करें, उसका लाभ उठाएं। कुछ कलाएं ऐसी हैं जो कि प्रथम दृष्टिया बहुत अच्छी नहीं लगती क्योंकि ऐसे आंखों को देखने की आदत नहीं है, कानों को सुनने की आदत नहीं है, मगर उसे मौका दें तो उसको अपने अंदर आत्मसात करें, आपको वो बड़ा रस विभोर करेगी। ये मेरा आपसे आगरा सिंहेश्वर के लिए मैं बड़ा लगाव मेरे को रहा है यहाँ से बाबा की जगह होने के नाते भी। द्वितीय पहली बार पंचायत भी नगर पंचायत भी बनी है तो विकास के कई सारे कार्यों के लिए अभी भवन भी नहीं है लेकिन फिर भी धीरे धीरे सारी बातें जब होती हैं तो धीरे धीरे बनता जाता है। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे
तब आपके सदर का, तब आपके विधायक महोदय ने भी यहाँ पर एक बाईपास का मुद्दा उठाया था और वो बड़े उच्च स्तर पर उसकी चर्चाएं चल रही हैं। संभवतः वो भी हमको मिल जाएगा तो सिंहेश्वर के विकास के लिए बेहतर। कालांतर में पहचान हमारे बच्चों के लिए भी, आपके बच्चों के लिए भी, कालांतर में सिंहेश्वर की पहचान बाबा के मंदिर से। अगर इसकी परिसंपत्तियों का हाफ हो जाएगा जिस तरीके से लोग अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ा दुखद है। अपने नेस्ट और निजी स्वार्थ के लिए कुछ लोग उसका फायदा उठाना चाहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत बात है। तो सारे विकास कार्यों पर नजर है, माननीय विधायक भी बार बार इन सब बातों के लिए आपके बोलते रहते हैं, तो ये सारी चीज़ों को भी हम लोग लगातार लगे हुए हैं। लगातार कोशिश यही रहती है कि धीरे 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 ही सही मगर विकास का काम हो, और सारी टीम हम लोगों की लगी हुई है। मुझे उम्मीद है कि महाशिवरात्रि का जो पर्व है आप अच्छे से मनाएंगे, और साथ में जो सांस्कृतिक प्रोग्राम 25, 26, 27 को होगा उसमें हमें परिवार के साथ आएंगे। परिवार के लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है, पूरा विधि व्यवस्था की, कोई दिक्कत नहीं है। कोई हुड़दंग वाला प्रोग्राम नहीं है कि भाई अपने परिवार को लेकर नहीं आ सकते, हुड़दंग होगा मैं स्वयं 3 दिन बैठूंगा, तो ऐसी कोई तकलीफ नहीं है। अपने परिवार के साथ आएँ, बच्चों के साथ आएँ, अपना देखें, और जो भी हमारी भारत की प्राचीन कलाएँ हैं उनका रसास्वाद करें, उसका भोग करें, और जो भी हमारी स्थानीय कलाएँ हैं उनका भी आप आनंद उठाएँ। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कोशी में ऐसी ऐसी महान कलाएं हैं, जैसे विद्यापति गान है, जैसे नारदी संगीत है। नारदी संगीत को इस बार हम मंच दे रहे हैं, आधे घंटे का पूरा प्रोग्राम उनका रखा है। तो इन कलाओं को सम्मान देने का ये मौका होता है हम लोगों के सामने, और अपनी पहचान को समझने का मौका होता है कि हम क्या हैं और हम लोग किस चीज़ को बिलोंग करते हैं। नारदी संगीत जब मैंने पहली बार सुना SP साहब, तो ऐसा लगा कि इस तरह की कोई अद्भुत कला भी इस धरती पर है। तो ऐसी कलाएँ हैं, अगर आप उसको ध्यान नहीं देंगे तो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी। तो आपका महत्ता दायित्व है, आपकी जिम्मेदारी है कि उन कलाओं के प्रति आप अपना सम्मान प्रकट करें, और ये महत्व, ये महोत्सव उसी के लिए मैंने, हम लोगों ने सबने मिलकर ऑर्गेनाइज किया। जो साहब को यहाँ के जो जनमानस है उस जनमानस को ख्याल रखते हुए यहाँ जो भी कलाकार लाते हैं उनकी भावना का कद्र करते हुए यहाँ तो नामचिन कलाकार आना चाहिए, लेकिन जो जिस तीन कलाकार का नाम आ रहा है जी उसको तो कोई लोग जानते तक नहीं है, जबकि और DM साहब अपने पसंदगी से लाते हैं, तो हमको बड़ा बुरा लगता है कि जनमानस का ख्याल करना चाहिए। इसे हम बार बार आग्रह किए कि वहाँ के जनमानस से समझ के, और ये जो आप यहाँ 3 दिवसीय कार्यक्रम करवा रहे हैं तो अच्छा कलाकार आना चाहिए। 10 लाख में तो चंदन दास और आ जाता, अनुप जलोटा, पंकज दास, मालिनी अवस्थी है, माली अवस्थी है, सब लाना चाहिए था, लेकिन ये सब जबरदस्ती कर रहे हैं तो कौन कहेंगे। यहाँ 3-4 करोड़ का बाउंड्री वाल दे रहे जिसका कोई जरूरी नहीं है, ये भगवान शंकर के पैसा का लूट खसोट हो रहा है। यहाँ कौन करे ये लूट खसोट, पदाधिकारी करे और कौन करेंगे, जो कौन है सो कर रहा है। इसके खिलाफ आप कहाँ तक आवाज उठाएंगे विधायक जी? आवाज उठाने का वहाँ जो पहले से कमेटी बना हुआ है वो कमेटी हम मिलाते रहता है, क्या जरूरी था इतनी बड़ी राशि का, मंदिर का स्थिति जर्जर है उसको बनाने का नाम नहीं हो रहा है, बाउंड्री से क्या होगा। सरकार तो आपकी है, सरकार मेरी है लेकिन धीरे धीरे न सुनेगा। हम पहले यहाँ सरकार है इसलिए आवाज नहीं उठा रहे हैं कि इनको ब्यूरोक्रेसी को क्या चाहिए, उसको राजनीति तब करना चाहिए DM साहब SDO को यहाँ आके, और यही कारण है कि हम नहीं आए मेला के उद्घाटन में, क्या जरूरी है। जनप्रतिनिधि का कोई महत्व नहीं है, हम MP साहब से बात किए वो भी यही कहे हमको कि हमसे भी कोई मार्गदर्शन नहीं ले रहा है। हम बार बार फोन किए रात में, कहे कि हम जो है कैबिनेट बैठक है सर, हम जुड़े हुए हैं, हम बाद में बात करेंगे, बात नहीं किए। सुबह में फ़ोन किए तो जानबूझ के नहीं उठाए, वो समझ रहे थे कि मेला के बारे में हम बार बार टॉर्चर करते हैं कि किस तरह से आपको मेला में आयोजन करना है, वहाँ के जनमानस को ख्याल रखते हुए कुछ और प्रबुद्ध लोग हैं इस कमेटी के बाद भी, उसको भी हम बुला सकते थे, कौन बड़ी बात है। गलत बोली लगा है, किससे असूला जाएगा ये पैसा, ये तो आम जनता से तसला जाएगा। दुकानदार से जो जमीन उसको 1000 मिलेगा वो 10000 में लेगा, तो आम जनता से ना तसलेगा। और DM साहब SDO साहब को आम जनता से लेना देना है नहीं, हम लोग गरीबी से आए हैं, DM साहब भी बहुत गरीब परिवार से, हमको वैचारिक संबंध उनसे है, बातचीत होता है, कहते हैं कि हम बहुत गरीब परिवार से आए, तो गरीब परिवार से आए तो इसका मतलब क्या है, गरीब का कदर न कीजिएगा। मेला का बोली लगा दिए, लूटने वाला लूट लेगा, किसको लूटेगा, सिंहेश्वर के आम जनता को लूटेगा। बार बार हम कहते रहे कि इस पर आप पुनः विचार कीजिए, इस तरह की अन्याय मत कीजिए सिंहेश्वर के साथ। क्या DM साहब SDO मनमानी करता, अगले बार भी कार्यक्रम में मनमानी किया, जब उसमें भीड़ नहीं हो रहा था तो शिक्षक को, सरकारी कर्मचारी को जबरदस्ती लाता है भीड़ जमा करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, तो मनमानी है इसका।
जबरदस्ती सरकारी कर्मचारी को ला के मनमानी करता है। आइए भीड़ जमा कीजिए, दिखाएंगे भीड़ है, एक भी भीड़ नहीं आता है।